आइए आज एक विषय पर बात करते हैं जिस विषय को आप लोग ऑलरेडी तोड़ चुके हैं और इस पर आप लोग अद्भुत तरीके से काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा बात करने में मजा ही आएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर बात करने में सबको मजा आता है तो मुझे भी मजा आएगा, और वो है मिस्ट्री ऑफ सेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग। इस विषय को कवर करना बहुत ही कठिन है और इस पर पूरी की पूरी मोटी किताब लिखी जाती है, तो इस पर 30 मिनट में क्या बात होगी, क्या भूलूं क्या याद करूं टाइप का होगा। मैं बस विषय पर बात करने के लिए इस विषय को रख लिया, इसलिए आप इसका अध्ययन और इसका विश्लेषण इस रूप में न करेंगे कि इसमें और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, बट कैनॉट बी डिस्क्राइब। मैं इस बिजनेस में 3 S को बहुत प्यार करता हूं, सीरियसली टेलिंग। There are 3 S which I love. जो पहला S है, there are 3 S, triple S, पता है ना? हम triple nine को बड़ा ही प्यार करते हैं, तो उसी तरह से triple S को बहुत प्यार करता हूँ। There are 3 S, उसमें से पहला S कौन सा है? The first S is success. I love success. I enjoy it. दुनिया में इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। कहते हैं लोग कहते हैं कि रिवॉर्ड्स आर गोइंग टू बी गिवन टू यू बिकॉज ऑफ योर अचीवमेंट्स, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली योर एफर्ट्स। आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए लेकिन अचीवमेंट नहीं मिला तो रिवॉर्ड देने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन आपने एफर्ट्स लगाए और अचीवमेंट आया तो रिवॉर्ड आपको देने सब आता है। सक्सेस इसी को कहते हैं बॉस, सफलता इसी को कहते हैं, और सफल होना बहुत आवश्यक है। इस दुनिया में हजारों लाखों लोग अभिनय के लिए मुंबई की महानगरी में जाते हैं और सब कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन जो अभिनेता बनकर उभर कर आता है संघर्षों के गलियारों के बीच से, लोग तो उन्हीं को जानते हैं, आप उन्हीं को जानते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वही महान नायक है। इन द सेम वे यहाँ पर भी आपने अच्छा किया, एफर्ट्स अच्छा डाला, लेकिन सफलता आपके कदम को नहीं चूमेगी तो समस्या है। इसलिए इस शब्द से बहुत प्यार करना होगा, फाइनली आपको सक्सेसफुल होना होगा। ये आपकी कहानी अधूरी कहानी नहीं हो, इसका ध्यान रखना। और इस सक्सेस को पाने के लिए 2 S आपको चाहिए। There are 3 S. The first S is success. And for this success, you need 2 more S. And they are selling and sponsoring. So success is all about selling and sponsoring. सक्सेस इसी दोनों पर है, टिका हुआ है, इसी दोनों के आधार पर आप चीज को लेते हैं। सेलिंग और स्पॉन्सरिंग एक जैसी ही चीज है। हमारे बिजनेस में हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो इट इज लाइक सेलिंग आइडिया, इट इज लाइक सेलिंग एन अपॉर्चुनिटी टू हिम सो दैट ही कैन कम इन दिस बिजनेस एंड ही कैन ग्रो हिमसेल्फ एंड ही कैन अकॉम्प्लिश हिज ड्रीम्स एंड गोल्स। और जब हम कस्टमर को सेल करते हैं तो वो सेल भी उसी तरह से करते हैं ताकि उस प्रोडक्ट से वो संतुष्ट हो और उसके ड्रीम्स जो है गोल्स है प्रोडक्ट को यूज करने के वो पूरे हो। तो हमारे बिजनेस में सेलिंग और स्पॉन्सरिंग का जो प्रक्रिया है ऑलमोस्ट एक जैसी है। मेहनत भी एक तरह का, जुनून भी एक तरह का, काम भी एक तरह का, सब एक तरह का, बस वो एक प्रोडक्ट है, ये एक आइडिया है जिस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को आप उसको देते हैं, नथिंग एल्स मोर। तो इसलिए मैं ऐसे देखता हूँ, लोग थोड़ा सा अलग करके देखते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आने पर, बट ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी चीज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेलिंग किसको कहते हैं? एबिलिटी टू कंप्लीट ट्रांजेक्शंस। आप भाई किसी के सामने गए और जिस प्रोडक्ट को, सर्विसेज को या आइडिया को देने गए, उसका ट्रांजेक्शन आपने उस तक कर दिया, कंप्लीट कर दिया, हस्तांतरण की प्रक्रिया हो गई, तो सेल हो गया। ये समझने की बात है ना। इसको हम लोग लीगल भाषा में, अगर आप जाइएगा तो आप फाइनेंस की भाषा में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं और सब चीजें होती हैं, उसमें इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक चीज दूसरे चीज के पास जब तक चली नहीं गई तब तक सेल नहीं माना जाता है, चाहे कुछ कर दे, पैसा भी दे दीजिए, उससे नहीं होता है। प्रोडक्ट जब चला गया, जब आइडिया उसके पास चला गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तभी सेल कंप्लीट हुआ। तो इसीलिए उसके बारे में बोलते हैं कि एबिलिटी टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन। सेल से ही जुड़ा हुआ सेल्स पर्सन होता है। तो सेल्स पर्सन और सेल में अंतर क्या है? जिसको जो सेल कर रहा है वो सेल्स पर्सन है। रॉबर्ट स्टीवेंसन ने सेल के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत किताबें लिखी है,
हम लोग वो सब बात अभी नहीं करने वाले, वो सब मैनेजमेंट की दुकान की कहानी है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ये सब पढ़ाते रहते हैं और लोगों को बताते हैं, हमें तो काम से अपना मतलब। बट एक आध लाइन की बात हो तो ये कह सकते हैं कि एनीवन हु सेल्स ए प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया इज अ सेल्स पर्सन, सीधी बात है। फ्रैंक बेटकर की किताब हम लोगों ने पढ़ी है कि हम लोग सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचे, उन्होंने लिखा मैं सेलिंग असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। या जेफ वोल्फ जिसने लिखी है 7 disciplines ऑफ ए लीडर, उसने भी सेल्स के बारे में अच्छी बातें कही है। तो ठीक है, सब लोग कहते ही हैं सेल्स पर्सन के बारे में कौन है भाई, एंटरप्रेन्योर है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमें क्या आज समझना है, हम क्या आपको बताना चाहते हैं, मन में जो शंका आपको कभी हो, चूंकि आप लोग लीडरशिप टॉक में बैठे हुए 15% आते हैं, आपके मन में कभी कोई भ्रांति हो, सेल के बेचने के बारे में विचार थोड़ा निम्न हो जाता हो, आपकी सोच में कहीं बेड़ियां आ जाती हो, मैं सेल के बारे में बात करके उन बेड़ियों को सिर्फ काटना चाहता हूं कि आप इसको कैसे समझते हैं, आप इसको कैसे लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक जो सामान्य मतलब भ्रांति है, सामान्य सोच है, अब तो कम है लेकिन फिर भी है, कि सेलिंग इज नोबल प्रोफेशन है कि नहीं, एक अच्छा शानदार प्रोफेशन कैरियर है कि नहीं। इस पे बहुत लोगों को दिक्कत होती है समझने में। एक तो सेलिंग के बारे में ही लोगों को ठीक से समझ नहीं है, इस दुनिया में जितना भी काम धंधा चल रहा है सब सेलिंग है, तो पढ़े हैं जाने हैं कि कोई आदमी जब इंटरव्यू देने जाता है तो वो अपने कैंडिडेचर को सेल करता है, कोई कोर्ट में जब एक लॉयर प्ली करता है तो अपने क्लाइंट्स के लिए वो सेल करता है, कोई पॉलिटिशियन स्पीच देता है जब अपने वोट को करता है, ये सब तो आप जानते हैं कि सबको सेल करना पड़ता है। फिर भी क्यों सेलिंग के बारे में हमको ये आइडिया आता है, हम पॉलिटिशियन को देख के क्यों नहीं सोच पाते हैं, हम कोई लॉयर को देख कर क्यों नहीं सोच पाते हैं कि सेल्स वाली बात है। हम जब कोई प्रोडक्ट को, कोई आइडिया को जब हम एम्बे बिजनेस का प्लान दिखाने जाते हैं, किसी को प्रोडक्ट देने जाते हैं, तो हमारे मन में नोबल जो प्रोफेशन है अच्छा क्यों नहीं आ पाता है, क्यों इस तरह का नहीं आ पाता है। देखिए, इसका कारण कुछ नहीं है, इसका कारण लोगों की अपनी समस्या है, लोगों की अपनी समस्या है। एक्चुअली क्या है ना कि दुनिया में हम चाहते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज, अच्छी चीज, लेकिन उसको पाने का तरीका जो डायरेक्ट होता है ना, स्ट्रेट फाइट करके फील्ड में जाके, वो करना नहीं चाहते और इसीलिए उसको कमजोर या उसको थोड़ा नहीं अच्छा करियर है या वो उतना बढ़िया नहीं लगता है या वो डर्टी वर्क है, ये कह के ठुकराते, जबकि सबसे अच्छा काम वही है, ये जानते हैं, क्योंकि हम करने से कतराते हैं। सेल्स के काम और दूसरे काम में क्या अंतर है, सेल्स का काम डायरेक्ट फील्ड वर्क है, स्पॉन्सरिंग करनी है तो प्लान दिखाना है, डायरेक्टली फील्ड वर्क है, प्रोडक्ट देना है तो सीधे प्रोडक्ट पर बात करनी है, इंटेंजिबल वर्क नहीं कि हम केबिन में बैठ के एक पॉलिसी बना रहे हैं हाउ टू सेल, ये करना नहीं है, ये करने में लोगों को मजा आता है लेकिन उसी आदमी को सेल करने जाने में मजा नहीं आता है, उसको नोबल प्रोफेशन वो नहीं मानता है। एचआर रिक्रूट करने में मजा आता है लेकिन वो जाकर प्रोडक्ट को ले जाके काउंटर पे सेल करे या कहीं बात करे या एक और फ्रेंचाइजी बनाए, इसको करने में मजा नहीं आता। और जब भी आश्चर्य की बात है कि जो मजा नहीं आता है वो उसकी सोच है, लेकिन जब भी कोई बड़ी कंपनी कहीं हायर करने जाती है किसी बड़े कैंपस में, तो जिस सबसे टैलेंटेड सबसे तेज विद्यार्थी को वो चयनित करती है, सेलेक्ट करती है, उसको सेल्स में रखती है, उसको उस काम के लिए रखती है जिसको वो करना नहीं चाहता और नोबल प्रोफेशन के रूप में नहीं देखता है। यानी ये विरोधाभास जो है, इसको समझने की जरूरत है। आप अपने दिमाग में इस बात को जान लीजिए कि जो डायरेक्ट फील्ड वर्क है, जिसको करने से आपका मन कतराता है, लेकिन उसी में सबसे ज्यादा लोकप्रियता और पैसा छिपा हुआ, इसको समझने की जरूरत है। और ये बात हम और आप जब जिस दिन समझ गए ठीक से, बातें बदल जाएंगी। एक्चुअली सेल्स की परिभाषा के बारे में हमारे मन में गलत गलत ख्याल होता है। आप एक ही चीज जान लीजिए कि जितने भी कंपनीज के सीईओ रहते हैं, जो भी बड़ी एफएमसीजी की कंपनी है, जो भी बड़ी इस तरह की कंपनी है जिसका सेल्स से मतलब है, वो ट्रैक्टर की हो, वो मर्सिडीज की हो,
वो ITC की हो, वो एमवे की हो, उस सब कंपनी का CEO वो आदमी होता है जो आदमी एरिया मैनेजर के रूप में रिक्रूट होता है, सेल्स मैनेजर के रूप में रिक्रूट होता है, और शुरू के 5 साल 10 साल वो फील्ड में धक्के खाता है, वही बनता है और उसी को बनाया जाता है। हमारी कंपनी के CEO मिलिंद पंत है। आई वॉज इन एडवाइजरी काउंसिल, और एडवाइजरी काउंसिल में जब मैं बात कर रहा था तो गपशप करते हुए चर्चा हुई, तो रात को खाना खाने में डिनर में चर्चा हो रही थी, तो गपशप होते हुए अच्छा लगा, इंडियन है तो यहाँ पर थोड़ा उनको मजा आता है, और मैं बात कर रहा था मुझसे उनको मजा मजा आने लगा, नाम भी मेरा थोड़ा अलग था, प्रियमवत जी क्या बात है, अरे बहुत मजा आया, पिछली बार आपको देखे थे लेकिन बात नहीं हो पाई थी, गपशप, एंड यू आर फ्रॉम पटना, अब ही शेयर्ड एक्सपीरियंस टू मी। जब मैं कलकत्ता में पोस्टेड था तो मैं पटना आया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर में उन दिनों था, और मैं एरिया मैनेजर था उस तरफ उस समय में उड़ीसा का और बिहार का, और मैं ट्रेन से उतरा था और मैं हनुमान मंदिर बजरंग बली पूजा करने के लिए गया था स्टेशन पर हनुमान मंदिर को, और वहां से निकलकर फिर मैं अपने 4-5 फ्रेंचाइजी के यहाँ गया था दिन भर, फिर मैंने लस्सी पी थी धूप में चलकर। यानी ही वॉज एन एरिया मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर एंड ही वॉज डूइंग ऑल दोज सेल्स एक्टिविटीज। 2003-04 की ये कहानी है, आज 2020 है। पिज्जा हट में वो एशिया पैसिफिक का हेड था, और वहां से रिच एनजे के बच्चों ने, डग एंड स्टीव ने चुना उसको, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग की चीजों को अच्छे से समझ सकता है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, हम अपनी कंपनी में भी सीईओ की बात की, वो सेल्स का है। हेडक्वार्टर में इतने सारे लोग हैं, अंशु बुद्धि राजा इज सीईओ ऑफ एमवे इंडिया, इतने सारे लोग हैं, उनके नवरत्न सब है, प्रिया डार है, अजय खन्ना है मार्केटिंग में, दीपराग भट्टाचार्य है देखने के लिए उस तरफ में, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सब है देखने के लिए, सप्लाई चेन का संजीव चूरी है, लेकिन अंशु बुद्धि राजा के बाद दूसरा नाम किसका आता है, अचिंता बनर्जी का। क्यों? क्योंकि वो सेल्स का हेड है। आप इस बात को समझिए, और इस बात को समझकर ये सोचिए कि जो भी लोग इस बिजनेस में टेंजेबल एक्टिविटीज में है, प्लान शो करने वाले हैं, प्रोडक्ट डिटेल करने वाले हैं, वही ऊपर क्राउन एम्बेसडर और उससे भी ऊपर जाते हैं, और उनका घर कमरे में बैठकर लैपटॉप पर ये करने के लिए नहीं होता है, उनका घर अंदर कमरे में बैठकर HR रिक्रूटमेंट का नहीं होता है, वो पसीना बहाते हैं और वो प्लान दिखाते हैं, वो प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, सेल करते हैं, वो लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। मैंने अपने FED में डायमंड सेलिब्रेशन में बोला भी था कि ये काम करने जब मैं जाता था तो मुझे भी लज्जा होने लगती थी, मैं क्या कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, लेकिन बाद में मुझे पता चला, अरे यार जो ये काम कर रहा है उसी की जय होने वाली है। और लिखा भी है दिनकर ने कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के हैं घर, महलों में गरुड़ न सोता है, कंचन पर कभी न होता है, बसता है कहीं पहाड़ों में शैलों की फटी दरारों। यानी जो प्रासाद महल होते हैं ना, उनका जो कोना कोना होता है कनकाब शिखर, उसमें कबूतर रहता है, कबूतर जो बहुत मजबूत पक्षी नहीं होता है, कमजोर HR, IT, IT, सप्लाई, लॉजिस्टिक्स ये सब है, वो वहां रहता है, महलों में गरुड़ ना होता है। गरुड़ सेल्स का आदमी, जो बड़ा आदमी है, मोटा आदमी है, जो उड़ता है ऊंचा, ऊंची उड़ान भरता है, वो महल वहल में नहीं रहता है, वो रहता है ऊंची पहाड़ों में, उसके फटी हुई शिलाओं दरारों के बीच में। सेल्स के बारे में जब आपको ये आएगा तो आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी और आपको लगेगा कि यू आर डूइंग समथिंग बेस्ट। तो वो सब सेल का डेफिनेशन मेरे लिए नहीं है। मैं तो सेल्स के डेफिनेशन में कहता हूं कि किसी व्यक्ति या संस्था की जरूरतों को पहचान कर उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप जब हम सेवा या उत्पाद उपलब्ध कराते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं और एक कल्याणकारी कार्य की तरह सोचते हैं, तो उसी को सेल्स कहा जाता है, उसी को बिक्री कहा जाता है, और वो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया होता है। और सेल हर जगह होना ही है, हर लोगों को करना ही है। इट शुड बी प्राइड इन सेलिंग, इट शुड बी प्राइड इन परफॉर्मेंस। पूजा के प्रसाद में भी बिक्री छिपी हुई है, जाइए पूजा करने, बिना सेलिंग के पूजा नहीं कर पाइएगा, खरीदना पड़ेगा आपको प्रसाद। पूजा के प्रसाद में बिक्री छिपी हुई है, सेल छुपा हुआ है, और मौत से जूझ रहे व्यक्ति के अस्पताल में वेंटिलेटर जो खरीद कर आता है उसमें सेल्स छुपा हुआ है। सिंदूर जिससे विवाह होगा उसमें सेल्स छिपा हुआ है,
और एनसीईआरटी किताब जिससे पढ़ाई में परीक्षा टॉप करने वाली आपकी बेटी और बेटा, उसमें सेल्स छिपा हुआ है, नमक में सेल्स छिपा हुआ है और ट्रैक्टर और मर्सिडीज में भी छिपा हुआ है और आपके घर में आने वाला झाड़ू में भी सेल्स छिपा हुआ है और प्रोटीन पाउडर में भी सेल्स छिपा हुआ है। यू शुड हैव प्राइड इन सेलिंग, आपको प्राइड होनी चाहिए। बैंक का लोन देने जब आता आदमी तो सेल्स करता है, आपके सामने पिच करता है, सर सेल्स लीजिए ना, इज सेलिंग। सो यू मस्ट बी प्राइड इन सेलिंग। सेलिंग के बारे में जब तक आप ऐसा नहीं सोचिएगा, आपके मन में चीजें नहीं बदलेंगी, और यही समझना सबको बदलना है। आपको गौरव का अनुभव होना चाहिए, और गौरव का अनुभव होगा जब आपके अंदर में कन्विक्शन आए। कहते हैं कि सेल्स इज नथिंग बट 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन। 90% आपका कन्विक्शन है और 10% आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसका कन्विक्शन है। हम लोग आए, हम कोलकाता में थे, हम लोग प्रकाश जी सब लोग, डायमंड मनोज भी थे, हमको रंजीत राजेश लोग थे, हम लोग सब लोग थे। बड़ा मजा किए वहाँ, बहुत अच्छा मजा आया। 5-6 दिन रहे वहाँ और आनंद किए वहाँ पर। सब जब पढ़ाई हो गई, सब जब क्लासेस हो गया ना, तो सबसे अंत में क्लास लेने आया एक आदमी जिसका नाम था संजय सिंह। और बात तो सबने अच्छी की, लेकिन सबसे मजेदार बात उसने की, और उसने सेल्स पे बात की। कहा यार सेल्स असल चीज तो यही है, कहा झंझावात से जब जूझा जाता है और जब संघर्ष किया जाता है ना, उसी को सेल्स कहते हैं। सेल्स का एग्जीक्यूटिव से लेकर सीईओ जब सवेरे उठता है ना, उसी समय से उसकी कहानी सेल्स की शुरू हो जाती है। वो आदमी क्या सेल्स का आदमी जिसने 2 कॉल नहीं किया रोज, 2 फॉलोअप नहीं किया, कैलेंडर में 10 उसके चीजें फेल नहीं हुई, 3 चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। सक्सेस तो उसके रक्त में है जो रोज बहता है, उसकी सांसों में है जो रोज चलता है। और उसने अंत में कहा कि भाई मेरे, एक चीज जान लीजिए, अगर आपको अपने आप पर गौरव करना है तो मैं आपको बता दूं। और हंसी मजाक उसने कहा कि इस ईश्वर ने जब इस प्रकृति की रचना की तो सबसे पहले पेड़ पहाड़ पर्वत नदियां बनाई, उसके बाद सबसे छोटा क्रिएचर बनाया, इतना छोटा सा है कीड़ा माइक्रोबग, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा कीड़ा सा बनाया, कीड़ा मकोड़ा जो होता है, फिर कुछ सरीसृप बनाए जो चल रहे थे ऐसे वैसे, फिर छोटे मोटे खरगोश वरगोश बनाया, गिलहरी उलहरी बनाई, फिर उसके बाद कुछ बीच बीच के मंझोले एनिमल्स जानवर बनाए, फिर उसके बाद बड़ा जानवर बनाया, हाथी घोड़ा बाघ, फिर उसके बाद उन्होंने मेन बनाया, आदमी बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने बनाया सुपर में ही मेन बनाया, ही मैन ने फिल्म देखे ही मैन बनाया, फिर उसने, हेलो मेरी आवाज आ रही होगी लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आवाज ना फिर उसने ह्यूमन बनाया, ह्यूमन बनाया, और ह्यूमन बनाया तो बड़ा खुश हुआ, फिर कहा नहीं इससे भी अच्छा और कुछ बनाना चाहिए, तो उसके बाद उसने सुपरमैन बनाया, सुपरमैन बना के खुश हुआ, फिर उसने उसके ऊपर और बनाया स्पाइडरमैन बनाया, और स्पाइडरमैन बनाने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, तब अंत में एक साचा गढ़ा और उसने सेल्समैन बनाया, सेल्समैन बनाया। And he was laughing saying all those things. So, कहने का ये मतलब है कि सेल्स के बारे में जब तक आपको प्राइड नहीं होगा ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। और ये प्राइड जब आएगा आपको प्रोडक्ट देने में, किसी को स्पॉन्सर करने में, बात करने में, तभी आपको लगेगा कि चीजें बदल रही। लेकिन ये आपके कन्विक्शन से आएगा और वो आपको लाना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी कहानी एक जगह दे रहा था, मैंने पढ़ा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुनकर। उस कहानी में यह था कि एक लाइफ इंश्योरेंस का आदमी प्रोडक्ट बेचता था, इंश्योरेंस बेचता था, अच्छी बात है बेचता था। तो बेचने के क्रम में वो 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, यानी 5 लाख 10 लाख का बेचता था, तो अच्छा ही करता था। एक दिन उसके एक बॉस ने बताया कि यार तुम 5 लाख 10 लाख का बेचते हो, तुम 1 करोड़ का इंश्योरेंस क्यों नहीं बेचते हो, 2 करोड़ का क्यों नहीं बेचते हो, 1.5 करोड़ का क्यों नहीं बेचते हो। का क्या बात बोलते हैं बॉस, कौन लेगा, बिग टिकेट साइज है, इसे तो कैसे मुश्किल से लेता है, कौन लेगा। उसने कहा लेगा, लेकिन तुम्हारा ही कन्विक्शन नहीं मानता है। फिर उसने कहा अच्छा ये बताओ, तुम अपनी जिंदगी में रोज जैसी जिंदगी जी रहे हो, उसमें तुमको क्या क्या चीजों की जरूरत है। का टीवी की जरूरत है, फ्रिज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, रोज का खर्चा ये है, 50,000 रुपये महीने तो इस चीजों में लग जाता है, पत्नी ये करती है, स्कूल है, ये सब कुछ है। कहा अच्छा ये सब मिला देते हो तो ये तो बहुत सारा खर्च हो जाता है। कहा बस
अच्छा ये बताओ लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराते हो? कहा कि अगर किसी को कुछ हो गया तो उसके परिवार की सुरक्षा हो। तो कही जो तुम 5 लाख 10 लाख का कराते हो उससे सुरक्षा हो सकती है। अगर लाइफ इंश्योरेंस किसी का टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का करा दो, कहा तब तो हो जाएगी, 1.5 करोड़ का, हाँ तब तो हो जाएगी। तो कहा तुमने अपना कराया अभी तक? का नहीं, नहीं कराया। कहा इसीलिए तुम्हारा कन्विक्शन नहीं बना है, क्योंकि तुम आज तक यह बिलीव नहीं कर पाए। दोस्त कल होकर जाकर उसने अपना डर गया, वो अपना उसने कराया अपना टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का, और अपना कराने के बाद जब वो निकला तो उसका कन्विक्शन बहुत बड़ा हो चुका था, और अब उसने जब लोगों से बात की तो वो कन्विक्शन को कम्युनिकेट कर रहा था, और अब 1 करोड़ 1.5 करोड़ के उसके बहुत सारे इंश्योरेंस होने लगे। आई मीन इट इज नॉट रिलेटेड विद आवर फील्ड, बट डेफिनेटली द मॉरल इज रिलेटेड विद आवर फील्ड ऑल्सो। तो सेल्स में प्राइड होना और उसके लिए कन्विक्शन होना ये बहुत जरूरी है, और मैं आपको इसीलिए आज इस बात को आपके सामने रख रहा था कि लोग बहुत बोलते हैं, मेरे साथ लोग बैठते हैं बात करते हैं और कहने लगते हैं कि सर सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सर प्रोडक्ट नहीं बहुत सारा रिटेल कर पाते, 100 पीवी 150 पीवी होता है, 300 नहीं हो पाता है, 300 400 नहीं हो पाता है, सर स्पॉन्सरिंग नहीं कर पाता हूँ। एक्चुअली सेलिंग में प्राइड होने के साथ ही चीजें बदलती हैं, और प्राइड होने में जब कन्विक्शन आ जाता है ना तो बॉस मामला तो ऐसे सरपट बदलता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इवन यू कैनॉट इमेजिन। सो मिस्ट्री यहां छुपी हुई होती है सेलिंग की, जिन चीजों को समझने की जरूरत है, लेकिन मिस्ट्री कहीं और भी सेलिंग और स्पॉन्सरिंग की छुपी हुई है। मैं अभी बैठ के कोई प्रोडक्ट और रिटेल और ये सब मैनेजमेंट और ये सब नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सेल्स के बारे में क्लैरिटी ऑफ थॉट देना चाहता हूं, जिससे आपके दिमाग में बात करने में जोरदार तरीके से बात करने की चीजें बस जाए और बातें बन जाए। कई फैक्टर्स हैं जो इस सेलिंग और स्पॉन्सरिंग की मिस्ट्री को सुलझा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, अगर वो सब आपके साथ हो तो चीजें बदल सकती हैं। मैं हर बिंदु पर डिस्कस आज करके बता नहीं सकता, क्योंकि इस ये हमारा कोई परीक्षा देने तो हम लोग जाएंगे नहीं, इस सेल्स पर कोई परीक्षा होगी, हमारा उस विषय तो है नहीं, हम लोग तो इससे सुविधा लेने के लिए जो व्यावहारिक दुनिया में कर रहे हैं उसके लिए बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कुछ बिंदु के बारे में चर्चा करके सब बिंदु की चर्चा करूंगा भी नहीं, अलग अलग तरीके से भी मैंने उनकी चर्चा की हुई है, कभी और भी हो जाएगा, और आप उसको जानते भी हैं। लीडरशिप टॉक कर रहा हूं मैं, 3% 6% से बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं ये सोच के चल रहा हूं कि बेसिक चीज आप जान रहे। मेरे कहने का एक मकसद ये है कि आपकी जो सेलिंग और स्पॉन्सरिंग की जो मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री रिजॉल्व होगी जब कुछ चीज आपके अंदर में रिजॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो मैंने आपको जानबूझ के सेल के बारे में कुछ आपसे बातें की, अंतरंग बातें की, कि सेल के बारे में कुछ मजेदार चीजों को आप समझिए, सेल्स के बारे में आप ये समझिए कि लोगों का नजरिया इसके प्रति नोबल प्रोफेशन एकदम है, लेकिन चूंकि वो कर सकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं इसलिए वो बाएं दाएं भागते हैं, और दुनिया में हर जगह जीत के शिखर पर सेल्स का ही आदमी बैठा होता है। एक्चुअली समझिए, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उसका क्या कारण है? वह एक आदमी है जो सबसे अच्छा विचारों को पिच करता है पूरे भारतवर्ष में। जब भारतीय संसद के लिए चुनाव का समय आता है तो हर लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके क्षेत्र में आधा घंटा का भाषण दे दे। क्यों? क्यों वो दे दे? क्यों नहीं और कोई दूसरा? क्योंकि वो क्यों ये सरकार बने इस विचार को बेच देते हैं लोगों के समक्ष में, और उसको बता देते हैं दृष्टांतों से, उदाहरणों से, कंटेंट से, रॉ मटेरियल से, उसके फॉलोअप करके, और अपने सपनों को दिखाकर कि 5 साल में भविष्य कैसा होगा भारत। कोई आदमी जब किसी फील्ड में होता है और खेलते रहता है तो सेंटर फॉरवर्ड के रूप में लियोन मेसी या किसी बड़े लीडर को क्यों चाहता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये आदमी आएगा तो टीम को जिता देगा, यानी उसको ट्रॉफी दिला देगा। कोई अपने अपलाइन को लेकर कहीं पर क्यों प्लान दिखाने के लिए जाने की कोशिश करता है जब तक कि वो उससे सीख नहीं ले? क्योंकि उसका अपलाइन बेस्ट पिच करेगा उसके आइडियाज को या उसके प्रोडक्ट के बारे में चीजों को। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, ये नोबल प्रोफेशन है, सिर्फ उन चीजों को साथ लेके चलने की जरूरत है, और जीत के शिखर पर हर क्षेत्र में वही लोग हैं जो सेल्स के लोग हैं, इसलिए इससे अच्छा नोबल प्रोफेशन कोई नहीं है। अब इसकी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आपको कुछ बातों को ठीक कर लेना होगा, तो आप सब कुछ करते चले जाइएगा। आप उसी के लिए प्रोडक्ट नॉलेज लेते हैं, रिटेल कर रहे हैं, स्पॉन्सरिंग की चीजों को सीखते हैं, सब सिलेबस पढ़ते हैं, सब उसी के लिए। मैं सेल्स को आपके अंदर में अंतर स्थापित करने के लिए ये सब बातें बोल रहा हूं। सेल्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जो पहला बिंदु है, 5 बिंदु हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, इसमें से 1 या 2 बिंदु की मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि
समय भी कम है और आप जानते हैं, मैं बिंदु बता दूंगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, आप उस आपको काम कीजिएगा। कोई परीक्षा तो नहीं है कि सबका व्याख्या बिंदुवार और बड़े बड़े स्तरों पर हमेशा करूं। जो पहला बिंदु है वो है बर्निंग डिजायर, सेल्स की मिस्ट्री को सुलझा देता है ये। स्पॉन्सरशिप की स्पॉन्सरिंग किसी की बहुत होने लगती है, उसको सुलझाने का इस रहस्य को पर से पर्दा उठाने के लिए ये एक एक बिंदु सफिशियंट है, वो है बर्निंग डिजायर, या जो भी कह लीजिए नौकरी वोकरी में इसी को फियर फैक्टर कहते हैं अपने यहाँ, तो ये बर्निंग डिजायर है। दूसरा है एबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेल्स की मिस्ट्री उसकी तुरंत सुलझ जाती है, उसके रहस्य सेल्स का कोई रहस्य उसके पास नहीं होता जिसके पास रॉ मटेरियल एबंडेंस में। एंड रॉ मटेरियल से मेरा मतलब है अगर हम स्पॉन्सर करने जा रहे हैं तो वो लिस्ट होना चाहिए, और अगर हम रिटेल करने जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट होना चाहिए। जो आदमी प्रोडक्ट के लिए जाएगा रिटेल करने और उसके पास प्रोडक्ट नहीं होगा या तुरंत वो सर्विस नहीं कर उसको दे नहीं पाएगा तो बेकार बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्ट्री को सुलझाने के। तीसरी चीज है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन संवाद पर मैं अलग से एक बार विस्तार से बात किया हूँ। सेल्स के लिए और स्पॉन्सर के लिए इससे बड़ी कोई चीज होती नहीं है, संवाद बहुत महत्वपूर्ण कारक है। चौथा चीज है कंटेंट, कंटेंट तथ्य जो आप बोलते हैं, प्लान जो बोलते हैं आप, और प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का नॉलेज हुआ प्रोडक्ट के लिए, और प्लान के लिए मतलब स्पॉन्सर करने के लिए हुआ प्लान जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, ये कंटेंट है आपका, ये मिस्ट्री को सुलझाता है। जो इस कंटेंट को ठीक से कंटेंट बताता है वो मिस्ट्री सुलझा देता है। कम्युनिकेशन ऊपर में संवाद अच्छा करता है, और कंटेंट नहीं हो तो संवाद बेकार हो जाता है। बहुत लोगों का प्लान बहुत अच्छा है लेकिन कंटेंट ही उसमें नहीं है, बहुत लोग बोलते बहुत अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है उसको, तो कंटेंट बहुत जरूरी है। बर्निंग डिजायर पहला है, दूसरा एबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, तीसरा कम्युनिकेशन है, चौथा कंटेंट होना चाहिए माने प्लान या प्रोडक्ट का नॉलेज, और पांचवी चीज है दैट इज एबीसी, एबीसी कहते हैं उसको, एबीसी आई मीन शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में कहें तो ऑलवेज बी क्लोजिंग, ऑलवेज बी क्लोजिंग। कभी मैंने पंचलाइन के रूप में किसी सेशन में मैंने ये कहा था, आज का पंचलाइन है एबीसी, लेकिन ज्यादा बातें नहीं की थी। ऑलवेज बी क्लोजिंग, जो आदमी क्लोजिंग के जुगाड़ में हमेशा रहता है ना और अपने अपना अलग अलग रूप बनाते रहता है क्लोजिंग के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के साथ, जब 6% पर रहता है तो भी, और जब डायमंड रहता है तो भी, वो अपना रूप बदलते रहता है और जैसा आदमी होता है उसके अनुसार वैसा वेश बदल के बात करता है, तो सेल्स का और स्पॉन्सरशिप का मिस्ट्री को वो सुलझा देता है। तो ये पांच बिंदु है, जिन पांच बिंदुओं के आधार पर आपकी मिस्ट्री सुलझ जाएगी। इसमें से पहला बिंदु बर्निंग डिजायर पर थोड़ी बात करता हूं, ये एक ऐसा चीज है जिस पर हमेशा बात कीजिए तो अच्छी ही बात है, हमेशा इसको सुनना भी अच्छा लगता है और इस पर हमेशा बात करके लोगों के डिजायर को जीवित भी रखना चाहिए। तो एक बर्निंग डिजायर पर, और एक इस पर बात हुई है कम्युनिकेशन, ये सब कंटेंट, और एक एबीसी पर ऑलवेज बी क्लोजिंग, इस दो बिंदु पर आज बात कर लेते हैं। ये पांच बिंदु है जो मिस्ट्री को सुलझाएंगे, और इस पांच बिंदु में से इस दो बिंदु पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जो पहला बिंदु है दैट इज बर्निंग डिजायर, ये तो ऐसा चैप्टर है कि आप क्या 9% का आदमी भी खड़ा होकर इस पर बोलेगा तो उसको भी मजा आएगा, और वो भी कुछ न कुछ बोलेगा ही। अभी हमारे जो बीबीआई स्पीकर्स थे उन लोगों ने भी इस पर कुछ बोल दिया, सब लोग बोलते हैं तो इस पर तो बोलना ही बोलना होते रहता है। बट गंभीरता से इस बात को समझना भी उतना ही जरूरी है, और स्पेशली जो लीडर्स हैं दोस्त, डिजायर इच्छा हुई तमन्ना, तमन्ना शब्द थोड़ा बढ़िया लगता है, और उसके आगे में बर्निंग लग गया यानी तड़पती हुई जलती हुई धधकती हुई तमन्ना, धधकती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। अब ये धधकने से ही बहुत चीज स्पष्ट हो जाता है। डिजायर शब्द आपको कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छा रिटेल और स्पॉन्सर नहीं कराएगा, लेकिन अगर बर्निंग डिजायर होगी, धधकती हुई इच्छा होगी, धधकती हुई आकांक्षा होगी, तमन्ना होगी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये हम लोग हमेशा देखते भी रहे, जिन लोगों के डिजायर बर्न होने लगे बस वही लोग तो आगे बढ़ता है, वही लोग तो पिंस आफ्टर पिंस ब्रेक करने लगता है, उसी की शुरुआत होती है, वही लोग अच्छा सेल्स पर्सन भी होता है, वही लोग अच्छा नेटवर्क क्रिएट करता है, सब काम वही लोग करता है। तो इससे बड़ा कोई और मिस्ट्री को सुलझाने वाला फैक्ट नहीं है। सेल्स की, स्पॉन्सरशिप की,
इस सब की मिस्ट्री सारी सुलझ जाती है बर्निंग डिजायर रहे तो। यही ससुरी लगातार नहीं बनी रहती है, जिस 10 दिन देखिए किसी का रहा है क्या काम कर रहा है, डिजायर ठंडी हो गई, आग की लपट थोड़ी, लॉ थोड़ी कमजोर हो गई, फिर से सेल में दिक्कत आने लगा, स्पॉन्सरशिप में दिक्कत आने लगा। 20 साल से ये कहानी सुना रहे हैं, सुन रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन बर्निंग डिजायर के लिए इस कहानी से अच्छी कोई कहानी ही नहीं आज तक बनी है। तो मैं करूं तो क्या करूं। अभी भी मैं 8 बजे से एक ग्रुप था जिस ग्रुप में एनडीओपी हो रहा था, तो वहां घुसा तो उन्होंने कहा 10 मिनट सर बोला जाए, तो 10 मिनट मैंने इसी पर बात कर दी, जो मिलता है मन वही, अभी उसी पर सोच रहे थे तो वही बात कर दी। तो मैंने कहा कि भाई एक कहानी मुझे याद आती है जो बर्निंग डिजायर के बारे में सबसे अधिक प्रासंगिक है, और उस कहानी को आप में से हर एक आदमी सुन चुका है, इतना सच है, फिर भी बर्निंग डिजायर को समझने के लिए इससे अच्छी कोई कहानी नहीं। कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बगल में एक पेड़ था, उस पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हुई थी, चुन्नी और मुन्नी। चुन्नी अचानक उसी बीच में से एक जहाज उड़ा और जूं करके आकाश में चला गया। तो चुन्नी ने मुन्नी को कहा, मुन्नी बहन काश हम लोग भी इस हवाई जहाज की तरह जूं से ऊंचा उड़कर चले जाते, आकाश को छू लेते। तो मुन्नी ने चुन्नी को कहा, चुन्नी बहन अगर तुम्हारी पूंछ में भी इसी तरह से आग लगी होती तो तुम भी आकाश को छू लेती। और उसको उत्तर मिल गया, पूंछ में लगी आग, यही शीर्षक होना चाहिए, पूंछ में आग शीर्षक है बर्निंग डिजायर का। कहने की कोई जरूरत है कुछ कहने की जरूरत है? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आप देखिएगा, कुछ लोग आते हैं, आप उनको ठीक से समझा देते हैं, 90 डेज की कटिंग स्टार्टेड कर देते हैं, उसके बाद वो आदमी आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपसे पूछने लगते हैं सर 12% कैसे जाएंगे, फिर पूछते हैं सर 15% कैसे जाएंगे, फिर पूछते हैं सर 18% कैसे जाएंगे, सिल्वर किस महीने ब्रेक करेंगे। आपको उनको बताना नहीं पड़ता है कि प्रोडक्ट कहाँ रिटेल कर रहे हो, कस्टमर कैसे बना। आपको उनको ये भी नहीं बोलना पड़ता है कि यार तुमको दिक्कत नहीं हो रही है, प्लान दिखाते हो 2 ज्वाइनिंग तो पिछले महीने हुआ था, फिर इस महीने 3 ज्वाइनिंग हुई। लोग नो तो नहीं बोल रहे हैं, न तो वो आपसे चर्चा करता है कि नो बोला लोग सब, न तो वो आपको कहता है कि कस्टमर ने डेमो देखने से इनकार कर दिया, न तो वो आपको ये कहता है कि अभी 3 प्लान दिखाए सर 1 भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। क्यों नहीं कहता है? उसके साथ नहीं होती है ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है, खूब उसके साथ हो रहा है, लेकिन उसको इस बात की तो चिंता ही नहीं है, उसके तो पूंछ में आग लगी हुई है। वो 2 आदमी नौ कहता है, 5 और को दिखाने के लिए चला जाता है, फिर 4 और को दिखाने चला जाता है, उसके पूंछ में तो आग लगी हुई है। बादल आ जाता है, बादल को फाड़ के चला जाता है। जहाज को तो 40,000 फीट तक जाना ही जाना है, क्योंकि उसके बाद ही वो सेटल करेगा। तो 5,000 फीट पर बादल आया, 6,000 पर बिजली कड़की, 10,000 पर और बादल आया, 15,000 पर कुछ और हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। बादलों को फाड़ते हुए 40,000 फीट पे चला जाता है। ठीक उसी तरह वह आदमी, उसकी पूंछ में आग लगी हुई है, उसको इस मतलब से कोई रिजेक्शन से कोई मतलब नहीं, उसको अपने गोल से मतलब है। उसको 4 ज्वाइनिंग चाहिए तो 5 नहीं 7 नहीं 25 को दिखाएगा अपने, और दिखा के आएगा। वो ये कहने आपको नहीं आएगा 25 आदमी को दिखाना पड़ा, वो ये कहने आएगा सर 5 ज्वाइनिंग हो गई, सर 2400 PV ठोक दिए, सर सर 4000 जा रहे, सर BVI क्रॉस कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहने आया? क्यों उसकी सेलिंग हो रही है? क्यों उसकी स्पॉन्सरिंग हो रही है? बगल वाले की नहीं हो रही है? मिस्ट्री को उसने सुलझा दिया, मिस्ट्री को उसने सुलझा दिया, क्योंकि बर्निंग डिजायर सामने ला दिया। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। गंभीरता से इस बात को ही लेने की जरूरत है। सोक्रेटस एक महान दार्शनिक थे, सबको बताते रहते थे। तो एक दिन उनका एक यंग शिष्य आया, युवा शिष्य आया, और उसने कहा सर इतनी सारी बातें पढ़नी पड़ती है, इतनी किताबें पढ़नी पड़ती है, आखिर सफलता का राज आप एक ही दिन में क्यों नहीं बता देते हैं? तो सोक्रेटस ने कहा कि युवक तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज सही मुहूर्त नहीं है, शनिवार को मैं कुछ काम करता नहीं, कल रविवार है, सवेरे नदी किनारे आओ, नदी किनारे में मैं तुमको अवश्य बता दूं। युवक उत्साहित होते हुए दौड़ते हुए अपने घर गया, और घर जाकर जल्दी से उसने रात बिताई, कल पौ फटा और वो सोक्रेटस के आश्रम के पास पहुंच गया। सोक्रेटस ने
कहा नदी किनारे चलो, और दोनों नदी किनारे चल पड़े। नदी किनारे पहुंचे, नदी का जल शांत था, कहा चलो जरा जल में कुछ दूर तक चलते हैं और तब वहां चलकर नदी के बीच तुमको बताएंगे। जब छाती भर पानी लगभग आया तो अचानक सुक्रेटस ने उस युवक का बाल पकड़ा और जोर से उसको पानी के अंदर में डुबो दिया। पहले तो वो हतप्रभ रह गया कि क्या कर रहे हैं गुरुजी, फिर लगा कि शायद हमको नहा के फिर बचाएंगे, एक डुबकी लगवा रहे हैं। लेकिन दो चार सेकंड में उन्होंने हटाया नहीं हाथ, बल्कि वो दबाए रखा। अब उसको लगने लगा कि हो क्या रहा है। अब उसके बाद और उसको लगने लगा कि अब क्या बात हुआ। 10 सेकंड के बाद वो घबराने लगा और 15 सेकंड के बाद उसकी सांसें फूलने लगी। अब वो छटपटाने लगा, अब उसने जोर लगाया कि अब निकलूं मैं। अब वो धीरे धीरे सोक्रेटस का विरोध करने लगा, सोक्रेटस के सर को दाबे। तो अब उसने और जोर लगाया, अब उसको गुस्सा आने लगा। अब उसने सोचा ये तो आदमी जान मार देगा मेरी, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और झोंक कर धक्का देती है सोक्रेटस को, उसने अपने आप को नदी के बाहर कर लिया। एक क्षण के लिए तो गुस्से से आंखें लाल थी, बट गुरु को देखकर फिर गुरु रुक गया, कहा कि शांत हो जाओ युवक, कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। कहा क्या गुरु जी? कहा ये बताओ कि जब तुम जल के अंदर में थे तो तुम्हारे अंदर में कौन सी चीज थी जो सबसे ज्यादा चल रही थी? कहा कि बस एक ही चीज की, किसी तरह से ऊपर ऑक्सीजन लू, किसी तरह से बाहर आओ। सोक्रेटस ने कहा सफलता का राज भी यही है युवक, जिस चीज को तुम पाना चाहते हो ना, उसकी बेचैनी उतनी ही होनी चाहिए जितनी जान बचाने की बेचैनी तुम्हारे अंदर में थी। मिस्ट्री सुलझ गई सेलिंग की, मिस्ट्री सुलझ गई स्पॉन्सरिंग की। किसी आदमी को मेरे से पूछने आता है, मैं उसको तो मैकेनिकल सब चीज बता देता हूं, लेकिन मैकेनिक से कुछ होने वाला है? वो तो बर्निंग डिजायर है जो आपका करने वाला है। मैं बताने जाऊंगा सबको, जितने लीडर्स हैं, आशीष को, बिट्टू को, शिशुपाल को, दास जी को, साहू जी को, डॉक्टर शैलेश को, या झा जी को, अजय गोयल को, जितेंद्र को, किसी को मैं बताने जाऊंगा कि भाई जरा सा स्ट्रक्चर और अच्छा कर लो। बताता तो ही हूँ रोज, मैं डायमंड्स को बोलने जाऊंगा, बताता तो हूँ रोज, बट उनकी मिस्ट्री उसी दिन सुलझेगी जिस दिन डिजायर उनकी बर्निंग हो जाएगी, तड़प कर हो जाएगी, इतना बेचैनी हो जाएगा कि कुछ और नहीं सूझे। और इस बात को ही समझने की जरूरत है, मिस्ट्री सेल्स का वही है। जो आदमी सवेरे निकलता है ना, एक अच्छा प्रोफेशनल ऑफिसर, और निकल कर जब वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, उसके टारगेट्स उसके पास होते हैं, उसको उतना निकल कर अकाउंट खोलना ही होता है जितना उसको खोलना है। उस समय में सारे सेल्स की कहानी उसे याद आ जाती है, सब चीज समझ जाता है, सारी चीजें वो ठीक कर लेता है। एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और वो हम लोगों को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर टैकलिंग थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट योर बर्निंग डिजायर। डायमंड शिप के समय में आदमी के बर्निंग डिजायर की कल्पना अगर कीजिएगा ना, तो तभी कर सकते हैं जब आप उस प्रोसेस में घुस जाइए। उस आदमी के अंदर में डिजायर इतना बर्न करता रहता है, उसकी छठी लेग कब 10,000 पीवी करेगी, बस वही उसके दिमाग में होता है। उसकी पांचवी लेग कब होगा पता नहीं चलता है, और ये सब जब करता है तो उसको उसके किए का डिविडेंड मिल जाता है। एंड डिविडेंड डोंट कम विदाउट इन्वेस्टिंग, विदाउट इन्वेस्टिंग उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो बर्निंग डिजायर को देखना हो तो इंजीनियर, ये चीज सबसे बड़ा है मिस्ट्री को तोड़ने वाला। और इस पर बातें हमेशा होती रहती हैं, गंभीरता से इन चीजों को समझने की जरूरत है, तभी आपका सब चीज बदलेगा। बातें और करने की इच्छा है, समय कम है, एक और विषय मैंने कहा, एक और पॉइंट को कवर कर लो, दैट इज एबीसी, ऑलवेज बी क्लोजिंग। एक ही उद्देश्य रहे, दैट इज क्लोजिंग, क्लोजिंग एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग और क्लोजिंग। सेल्स और स्पॉन्सरशिप की मिस्ट्री सुलझ जाती है जब आदमी एक एक ही तरह से सोचने लगता है, भाई ज्वाइनिंग कराना है, भाई जा रहे प्लान तो ज्वाइनिंग कराना है, भाई भाई 50 पीवी रिटेल करना है, 50 पीवी रिटेल करना है। ये जो टेम्परामेंट है ना, क्लोजिंग का टेम्परामेंट, ये सेल्स और स्पॉन्सरशिप में बहुत काम आता है। और इसके लिए आपको कई तरह से काम, मतलब इसको करने के लिए कई चीजों को आपको देखना होता है। ये ऑलवेज बी क्लोजिंग मैंने कहा,
जब आप इस उद्देश्य में रहिएगा ना, तो आपको कई माने बहुरूपिया टाइप का आप रहिएगा। आप कभी भी किसी आदमी के साथ कुछ भी करते हुए प्लान को तोड़ मड़ो, एवरीथिंग यू कैन डू ऑफ कोर्स विद एथिकल प्रैक्टिस, बट यू कैन डू। और इससे आपको परिस्थिति से इसका कोई मतलब नहीं होता है। किसी ने कहा कि नोइंग वेन टू क्लोज इज लाइक बेकिंग ए केक। जैसे केक को बेक किया जाता है ना, उसी तरह से सेल्स को कब क्लोज किया जाए, ये केक को बेक करने जैसा है। ज्यादा आंच दीजिएगा तो जल जाएगा, कम आंच दीजिएगा तो कच्चा रह जाएगा, और प्रॉपर आंच दीजिएगा तो केक बेक होके निकल जाएगा। जो लोग हमेशा क्लोजिंग में लगे रहते हैं उनको ये टेम्परेचर का पता रहता है और उसको करने में मिल जाता है। वो किसी भी सिचुएशंस को निगेटिव से पॉजिटिव निकाल लेते हैं, किसी प्रश्न को कैसे बदल देते हैं, प्लान को कैसे भी प्रेजेंट कर देते हैं, चीजों को जैसा चाहिए उसके अनुरूप रख लेते हैं, और ये उनके लिए बड़ा ही जबरदस्त होता है। किसी कोई प्रोडक्ट को देने जाता है, उसकी पैकेजिंग है, अब लाल पीला और हरा तीनों पैकेजिंग है, ही हैज गोन टू ए कस्टमर और दे रहा है, का उसको देते वक्त बोला तो कस्टमर ने उससे पूछ दिया कि भाई इसमें से तीनों में से कौन तुमको अच्छा लग रहा है, या इस तीनों में से मैं कौन खरीदूं? तो कोई बोलता है कि सर कोई भी खरीद सकते हैं आप, जो मान लीजिए हमारे लिए तो सब समान है। लेकिन स्मार्ट आदमी उसी को बदल कर देखता है, उसका मूड वो कोई एक को पसंद करना चाहता है या मेरे अनुसार चलना चाहता है, उसी प्रश्न को बदल करता है कि बॉस तीनों चीजें तो लाजवाब है, रेड भी अच्छा है, ग्रीन भी अच्छा है, ब्लू भी, लेकिन ब्लू मुझे गजब लग रहा है, इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज है जो मुझे मजा दे रहा है। तो अब उसका आंसर आ गया, उसके बाद तो दे दो ब्लू, बात खत्म हो जाती है। क्लोज करने के लिए लगा हुआ, वो क्लोज करने में कुछ भी बात करता है। रेस्टोरेंट में खाने के लिए कोई जाता है, मेन्यू देता है, जो चीज पसंद करता है वो मेन्यू है ही नहीं। अब एक आदमी कहता है सर ये तो नहीं है, सॉरी सर ये नहीं मिलेगा सर, और दूसरा कहेगा उसी को सर ये चीज हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया अभी, लेकिन सर तीन और मेरे मेन्यू जो डिशेस हैं वो इसी के जैसे एग्जैक्टली है सर, और एक तो इससे भी बढ़िया टेस्ट है, ये तीन है सर, इस तीन में से आपको एक ले सकते हैं। तो कहेगा ठीक है वो दे दो। अब वो जो प्रश्न पूछा तो वो गायब हो गया, क्यों ऐसा क्यों हो गया? ही इज ऑलवेज बीन क्लोजिंग। वो किसी भी चीजों में से कोई भी चीज निकाल कर जबरदस्त तरीके से आपके सामने रख देता है, और ये चीज बहुत मजबूत बात है, इस चीज को लेके चलना चाहिए। ये चीज हमेशा काम करता है, हमेशा चीजों को अच्छा करके देता है। कुछ लोग लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देते हैं अपनी क्लोजिंग को ठीक करने के लिए, बिकॉज ही इज ऑलवेज बीन क्लोजिंग। आप कहीं सफर कर रहे हैं, आपके साथ सफर कर देगा, आपके साथ बैठेगा सामने में अच्छे से बात करेगा, लॉजिस्टिक्स को भी ऐसा बदल लेता है, वो क्लोज कर देता है। और उसके लिए वो भी प्रॉब्लम का विषय नहीं होता है। आपने देखा था कल आशीष वाज ट्रेवलिंग और वो अपनी कार से उसने प्लान दिखा दिया। लॉजिस्टिक्स और सेल क्लोजिंग, इस दोनों का संबंध थोड़ा सा वहां दिख गया, रिफ्लेक्शन हुआ। बट कई तरह के ऐसे सिचुएशन होते हैं, लेकिन उसका सार एक ही है, ही इज ऑलवेज इन क्लोजिंग, ऑलवेज बी क्लोजिंग। ये थ्योरी लेके चलता है, वो एबीसी थ्योरी लेके चलता है। कुछ लोग जब काम करने जाते हैं उनको हमेशा क्लोजिंग में लगे होते हैं, कल क्लोजिंग हो सकती है नहीं हो सकती है, आज की क्लोजिंग से बहुत काम और भी निकाल लेते हैं। अपसेलिंग कहते हैं दूसरी दुनिया में उसको, क्रॉस सेलिंग कहते हैं। क्रॉस सेलिंग मतलब जो रेंजेज हमारे पास हैं उसके अलावे भी कोई दूसरा प्रोडक्ट जो रेंज अभी नहीं है वो भी बेच दिए, इसको क्रॉस सेलिंग कहते हैं। अपसेलिंग भी कर लेता है, देने गए थे उनको एक न्यूट्रलाइट डेली, एक के साथ दूसरा भी दे दिया, थमा दिया, पीडीओ में से तीन चौथा चीज भी थमा दिया, ग्लिस्टर भी एक थमा दिया, अपसेलिंग किया, बढ़ा दिया टिकट साइज को, बढ़ा दिया। ये सब बातें मतलब मैं एक सार में कह रहा हूँ, ही ऑलवेज बी इन क्लोजिंग। वो हमेशा क्लोजिंग क्लोजिंग और क्लोजिंग के माइंडसेट से। फलसफा बदल लेता है। मैं नॉर्वे की एक मैं जा रहा था स्वीडिश एयरलाइन से, यस, तो मैं स्कैंडिनेवियन कंट्री के ऊपर से उड़ रहा था। मैं एमिरेट्स से जा रहा था, आई एम सॉरी। तो मैं सिएटल जा रहा था, याद है इतनी जगह इतने बार जाते हैं मैं, तो सिएटल जा रहा था। तो सिएटल जाने के जो रास्ता है उसमें एमिरेट्स जो है वो मेन अटलांटिक सी होकर नहीं ले जाता है, मतलब यूरोप क्रॉस करते हुए, अटलांटिक सी क्रॉस करते हुए फिर ईस्टर्न कोस्ट को टच करे कहीं बोस्टन में, न्यूयॉर्क में, ऐसा नहीं करता है। बल्कि वो करता है कि वो फ्लाई करता है, और फ्लाई करने के साथ ही वो दुबई से फ्लाई किया, और फ्लाई करने के साथ धीरे धीरे वो बाकू वाकू को क्रॉस करने के
ऊपर से आगे आता है हंगरी उंगरी के पास, बुडापेस्ट वगैरह के पास, या आप समझिए उसको कि इस्तांबुल वगैरह के पास, और वहां से सीधा नहीं यूरोप नहीं क्रॉस करके यूरोप के ऊपर चला जाता है, यूरोप के पोर्शन में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, हेलसिंकी, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ऊपर में उत्तरी ध्रुव की तरफ, और ऊपर में ऊपर से चढ़ते हुए धीरे 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 चढ़ते हुए वो आर्कटिक सीजन प्लेस से होते हुए फिर वो कनाडा की तरफ उतर जाता है। तो जब स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे वगैरह से क्रॉस कर रहे थे तो एयर होस्टेस आई तो उसने मुझे कहानी सुनाई, मैं सबसे कहानियां सुनता रहता हूँ। वो खिला रही थी, बिजनेस क्लास में था, आगे बैठा हुआ था, तो वाईफाई वगैरह सब चालू था, तो गपशप हो रहा था, तो उसी में वो गपशप करते हुए खाना पीना चल रहा था, तो उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई, और वो स्टोरी तो मैंने कमाल की स्टोरी थी, हमारे और आपके लिए थी, अभी याद आ गया तो आपको सुनाता हूँ। तो उसने स्टोरी सुनाई कि नॉर्वे एक देश है जहां पर ठंड बहुत पड़ती है, और वहां पर वैक्यूम क्लीनर की बिक्री उतनी नहीं होती है, फिर भी होती है, तो लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने सबके घर में जाते हैं। तो एक बार ठंड पड़ती है वहां, तो बर्फ एकदम जम जाता है, तो लोग उस समय जिसमें बहुत बर्फ जमता है वो घर में छुप जाते हैं, क्योंकि स्नो की चादर आ जाती है और फिर उसको हटाना मुश्किल होता है, और लोग सब उस समय छुट्टियां मनाते हैं, काम करते हैं, तो वैक्यूम क्लीनर वाला भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देता है। तो यूजुअली ये बड़ा टफ होता है, एक भी बेच ले कोई आदमी एक दिन में और महीने में 8-10 बेच ले तो बहुत बड़ी बात होती है। एक वैक्यूम क्लीनर बेचने वाला आदमी था, वो उसी ठंड में जब सब कुछ गिर गया तो सब लोग घर में घुस गए, दुबक गए सब लोग, टीवी में लग गए। तो उस शख्सियत ने सोचा कि कोई बेच नहीं रहा है यार, मेरे को बेचना है, मुझे अपने बच्चे के लिए पैसे भी जुटाना है, मैं क्या करूं। और अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया कि इस समय जबकि कुछ भी नहीं बिक रहा है, कोई घर से नहीं निकल रहा है, शायद यही तो सबसे अच्छा समय है इस समय घर से निकले। क्यों? क्योंकि जब इस समय कोई घर से नहीं निकल रहा है तो मैं निकलूंगा तो इट विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि कॉम्पिटिशन में मुझे कम होगा। दूसरी चीज की इस समय में घर में सब लोग मिलेंगे, क्योंकि सब घर में छुट्टियां मना रहे हैं, तो घर में मिलेंगे तो मेरा डेमो मैक्सिमम होगा, अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होगी। और तीसरी चीज, मैं जब भी किसी को डेमो भी कर देता हूं तो वो कहता है ठीक है यार, अच्छा तो लगा, तुम नेक्स्ट टाइम की एक मीटिंग फिक्स कर लो, घर में आओ, तो मैं अपनी वाइफ से भी पूछ लेता हूँ, तो स्पाउस भी उसमें डिसीजन मेकर होती है, तो फिर पता नहीं दोनों का अपॉइंटमेंट मिक्स नहीं हो पाता है, एक महीना लग जाता है। अभी तो उसकी पत्नी भी घर में होगी, तो एक तो अभी मिलेगा, पति पत्नी दोनों घर में होगी, तो डिसाइड करने में मौका मिल जाएगा। और उसने ये निर्णय ले लिया, और निर्णय लेकर वो घुस गया, और घुस के उसने डेमो करना शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा यार, मैं सबको दिखाने के लिए दूर दूर 20-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाता हूँ, और मेरे बगल के पड़ोसी हैं, मैं शर्म के मारे उन्हीं को नहीं दिखाता हूँ, मैं उनको क्यों नहीं दिखाऊं। और इसके बाद उसने कहा ठीक है यार, दिस इज द राइट टाइम, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। और वो बगल के पड़ोसी के घर में घंटी बजाया, घंटी को खोला, हाय माय नेम इज जॉन, आई एम योर नेबर, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, हिंदी कर देता हूँ, मैं आपका बगल का पड़ोसी हूँ, और इतनी ठंड में आप लोग घर में सिक्योर रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने सोचा कि आप लोग घर पर हैं तो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन दूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और आपका पड़ोसी हूं तो इतना तो हक मुझे बनता ही बनता है, तो क्या मैं अंदर आऊं। और उन्होंने कहा कि हाँ अंदर आओ, प्रेम से पूछा, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आप बुलाने का। और उसने डेमोंस्ट्रेशन पूरा दिखाया, डेमोंस्ट्रेशन पूरा दिखाने उसने कहा कि आप और आपका परिवार इतना सुंदर और अच्छा है, लेकिन क्या आप उतने ही स्वस्थ वातावरण में रहना नहीं पसंद करेंगे। और फिर अंत में जब उसने वैक्यूम क्लीनर से गंदगी निकाली तो एक कटोरी में लेके कहा कि ये सब अगर आपके घर से निकले रहे और आपके बच्चे और आप स्वस्थ रहे तो कैसा रहेगा। लोगों को उसका पड़ोसी कहना बहुत पसंद आया, एक हक की बात है, रिलेशनशिप की बात है। लोगों को उसके विनम्रता से घुसने का अंदाज पसंद आया, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बोलना लोगों को रास आया, और लोगों को वो कटोरे का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के, उस गंदी को दिखा कर उससे बचने की बात करना और पसंद आया। और उसकी पत्नी भी वही थी, इतना अलाइंड हुआ, यू विल नॉट बिलीव, उसने एक दिन में 24 वॉल्यूम वैक्यूम क्लीनर्स बेच दिए। एक दिन में 24 वैक्यूम क्लीनर बेचना, मैंने वो महीनों में लोग नहीं कर पाते थे, एंड ही हैज डन इट, एंड ही हैज डन इट, व्हाई, बिकॉज़ ही गोज थ्रू एबीसी, ऑलवेज बी क्लोजिंग। उसने कहा यही तो टाइम है क्लोज करने का, यही तो टाइम है सेल करने का, यही तो टाइम है अपनों को देने का, यही तो टाइम है रिश्तेदारी को प्यार से सामने रखने का। फ्रेंड्स, मिस्ट्री कहाँ है सेल्स में, मिस्ट्री कहाँ है स्पॉन्सरिंग में, अगर आप एबीसी पर बिलीव कर लें, ऑलवेज बी क्लोजिंग पर बिलीव कर लें, ऑलवेज बी क्लोजिंग पर बिलीव कर लें, आप बहुत अच्छा रिटेल कर सकते हैं। 300 पे भी तो कुछ है ही नहीं आपके लिए,
और आप दो ज्वाइनिंग हर महीने तो कर ही सकते हैं, ये है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक रहस्य का पर्दा था आप पर। बस उस रहस्य के पर्दे को हटा देने की जरूरत है और सामने अपने सपनों को रखने की जरूरत है, चीजें खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। बहुत मजा आया मुझे सेल्स पे बात करके, मैं भी उत्तेजित हूँ, रोमांचित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं भी मिलकर इस मिस्ट्री को और सुलझाऊं और आगे बढ़ूं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है।